आप सभी स्टूडेंट जो डीएसएसबी टाइपिंग टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं और आरकेसी के साइड पे आके अपना टेस्ट दे रहे हैं, आप सभी का आरकेसी के साइड पे स्वागत है। डीएसएसबी के टाइपिंग के लिए बहुत स्टूडेंट का डिमांड है कि सर को एक वीडियो लाइए कि आखिर करना कैसे, हमें सब कन्फ्यूज है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, रूल रेगुलेशन सारा क्लियर है, उनके नोटिस में भी क्लियर है, जो 24 अगस्त 2024 को आया है, आप उस रूल को अगर पढ़ेंगे तो एवरीथिंग क्लियर किया उन्होंने। सबसे पहले तो आपका जो एक सबसे एक रिक्वायर्ड है कि 40 वर्ड पर मिनट स्पीड आपका चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसलिए 40 वर्ड पर मिनट। उनके नोटिस में एक भी जगह की स्टॉक्स का जिक्र नहीं है, यानी कि आपका एग्जाम वर्ड वेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी कि सर स्पेस काउंट होगा क्या, स्पेस काउंट अगर होता तो आपका एग्जाम की स्टॉक्स वेस्ट हो जाता, ये एग्जाम की स्टॉक्स बेस्ड नहीं है, ये वर्ड बेस्ड है, इसलिए आपको 400 वर्ड मिनिमम ट्राई करना होगा, मैक्सिमम जितना आप कर लीजिए। उनका रूल जो है, अब आप देखिए रूल जो उन्होंने दिया है 24 अगस्त को, उसका जो रूल नंबर 16 है उसमें वो क्लियर लिखते हैं कि द स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग, मतलब कि आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। 17 नंबर जो पॉइंट है इनका कि फॉर टाइपिंग टेस्ट प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश ऑन ए सीट वुड बी प्रोवाइडेड, कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कैंडिडेट हु वुड इंटर द सेम इन कंप्यूटर, कि आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा उसको आपको सेम इंटर करना है कंप्यूटर में। ये 17 नंबर पॉइंट क्लियर कर रहा है कि आपका टेस्ट पेपर मोड है, पेपर टू स्क्रीन, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम ऑन स्क्रीन दे सर कि ऑफ स्क्रीन दे, आपका टेस्ट पेपर मोड है, पेपर टू स्क्रीन टेस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आप अपने आप को रेडी कीजिए पेपर मोड टेस्ट देने के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शन जो उनका और है आपको वो भी मैं बता दे रहा हूं, जो आपको वो टाइपिंग के लिए बताएंगे स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए 18 नंबर पॉइंट से 19 नंबर में कि कैंडिडेट मतलब स्टॉप टाइपिंग एज सून स्टॉप टाइपिंग सिग्नल इज गिवेन, कि आपको जब सिग्नल मिलेगा तो आपको स्टॉप कर लेना है, ठीक है। एक चीज और है कि अगर कोई कंप्लेन है आपका 21 नंबर पॉइंट पढ़िए कि एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग चेयर्स कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड ईटीसी शुड बी इन्फॉर्म टू द इंग्रेटर लाइव असिस्टेंट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द वर्ड स्टार्ट टाइपिंग, आपको स्टार्ट टाइपिंग के पहले ही क्लियर करना है, ठीक है। इसमें अब कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, इसको अपना ध्यान रखिएगा कि कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम है आपको स्टार्ट करने के पहले सारा चीज देख लेना है, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से दीजिएगा, सारा चीज आपका वहां इंस्ट्रक्शन क्लियर बताया जाएगा, आपके रूल रेगुलेशन में भी एकदम क्लियर है। मेनली जो इंस्ट्रक्शन है 16, 17 और 18, 19, 20, 21 ये चार इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़िएगा, एवरीथिंग आपको क्लियर है, ठीक है ना। कंप्यूटर शुड बी स्टार्ट, मतलब आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसका वो कुछ भी नहीं सुनेंगे आपका, इसलिए आपको उसको ध्यान देना है कि हमको एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है ना। यहां पे क्या करना है प्रोसेस के लिए, सबसे पहले आपको ओपन लिंक करना है आरकेसी के साइट पे। आरकेसी के साइट पे जब आप लिंक को ओपन करेंगे www.rkcnawada.online तो उसमें एक ऑल इंडिया एग्जाम लिंक का एक मेनू बना हुआ है और बीच में रेड कलर का पॉपअप है जहां पे रेड कलर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ऑल टाइपिंग टेस्ट लिंक स्पेशल टेस्ट। आपको मैं इस टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, टेस्ट के लिए बल्क पैसेज जो दिया गया है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा ताकि आपको ज्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं हो, दोनों लिंक आपको इसमें दिखा रहेगा, ठीक है। जब आप डाउनलोड पैसेज कर लेंगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट करना है, रजिस्ट्रेशन और जब एक्टिवेट आपका हो जाएगा तो फिर आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद सेलेक्ट मंथ एज पर प्रिंटेड मैटर, जो आपको मैटर मिलेगा उस मैटर में ऊपर में टेस्ट आईडी रहता है जिसमें डेट भी रहता है, उसको आपको देख के मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो एक मेनू आएगा नेक्स्ट टू स्टार्ट वीवीआई, ठीक है। तो नेक्स्ट टू स्टार्ट वीवीआई मोड रहेगा, उस पर आप जाके आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्राई टेस्ट पेपर टू स्क्रीन, उसके बाद आप टेस्ट देंगे, आप उसके बाद एंड करने बाद आप सबमिट करेंगे। यही आपका देखिए जो टेस्ट खुलेगा उसको ये लॉगिन है, इसमें आपका है कि जो स्टूडेंट नया है वो यहाँ पे साइन इन करेगा, पहले रजिस्टर कर लेगा उसके फिर वो साइन इन करेंगे। साइन इन करने में कोई भी समस्या अगर होगा तो आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे सकते हैं, मैं आपको वहां पे क्वेरी दे दूंगा, ठीक है। कॉल करने से बेहतर है आप रिप्लाई मांगिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप में, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस टेस्ट का लिंक जो है यहाँ रेड कलर में नीचे में भी शो करवाया है, जो आप टेस्ट देंगे, ठीक है। टेस्ट जब आप लॉग इन कर लेंगे तो लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह का एक मेनू देखेगा आपके साइट में,
ये जो मेनू यहाँ सामने दिख रहा है, ठीक है, इस मेनू को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए सी योर परफॉर्मेंस है, एक लाइव इंग्लिश टेस्ट है और एक है टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड हेयर। जो पीडीएफ डाउनलोड करने का है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर हम लाइव टेस्ट मारेंगे, जो आप डेली अपडेट करते हैं, मैं डेली के अलावा 10 से 15 टेस्ट इंग्लिश में अपडेट करता हूं, तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर हम लाइव वाला मारेंगे, तो उनके लिए क्या है कि आपको ये मेनू आपको क्लियर वहां पे दिया हुआ है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इस मेनू के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपका वो सारा काम बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको भी मैं खोल के आपको दिखा रहा हूं कि टेस्ट पैसेज कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। जैसे उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले पे, तो ये आपका स्क्रीन खुल जाएगा जहां पर कि जो भी लाइव टेस्ट हम लोग करवाते हैं वो सब पैसेज यहाँ पे शो कर रहा है डेली वाले। यहाँ पे आपको 15-20 टेस्ट दिखेंगे जिसको कि आप सेव करके ओपन करके, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओपन होने पर राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन रहेगा सेव पीडीएफ या प्रिंट, जैसे आपको इच्छा करे उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर में कॉलम है ना, क्लिक टू सेव या प्रिंट, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव हो जाएगा पीडीएफ। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप प्रिंटिंग करके निकाल सकते हैं। अगर नहीं है, हम चाहते हैं कि नॉमिनल कैसे काम बन सके, तो इसको आपको क्या है कि सेव कर लेना पीडीएफ में और मोबाइल में खोल लेना। सिस्टम पे टेस्ट ओपन होगा और मोबाइल में पीडीएफ ओपन होगा ताकि आपका पैसा बच सके। मोबाइल में हम पैसेज को फुल स्क्रीन में खोल लेंगे और मोबाइल में देखते जाएंगे और स्क्रीन पर टाइप करते जाएंगे, ये हमारा बचेगा पेपर। इस तरीके से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। जब आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये मेनू है हमारा, यहाँ पे जो मैटर में डेट आएगा उस डेट के हिसाब से आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये सामने में डेट आएगा। इसको मैंने आपको बताया था कि न्यू क्लिक हेयर टू, जो ये न्यू वाला जो बटन है ना यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू पेपर टू ऑफ स्क्रीन मोड टेस्ट, यहाँ मैंने क्लियर लिखा है, इसी को आपको करना है, ठीक है। इस ऑफ स्क्रीन वाले मेनू को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के पहले एकदम क्लियर हो लेंगे जो आपने मैटर सामने रखा है, जो वहां पे डेट मेंशन है टेस्ट आईडी के पहले, उसके हिसाब से आपको करना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। ब्लैंक स्क्रीन पे भी देखिए ऊपर में एक जो है ना हल्का ब्लैक शेड में, वहां पे भी टेस्ट आईडी है, ब्लू वाले भी बटन पे भी टेस्ट आईडी है। दोनों से आप पहले मैच कर लेंगे कि हमने जो पेपर सामने रखा है वो सेम पैसेज सामने सेलेक्ट किया कि नहीं, क्योंकि अगर पैसेज गलत सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट पूरा गड़बड़ बता देगा। फिर कहो कि सर आपका तो रिजल्ट ही पूरा गड़बड़ बताता है। तो इसलिए सावधानी यही करना है कि जो टेस्ट आईडी पेपर में दिया हुआ है उसको देख करके सेलेक्ट कर लेंगे, तब फिर हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जब टेस्ट पूरा दे लेंगे, देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट जब करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सेव होकर ये डैशबोर्ड में आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपका टेस्ट नेम, कितना वर्ड मारा, कितना एरर हुआ, कितना नेट स्पीड बन रहा है और आपका रिजल्ट भी यहाँ बताएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि हम पास कर रहे हैं कि मोड ट्राई कर रहे हैं। पास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर मोड ट्राई हो रहा है एक दो बार या हमेशा हो रहा है तो पहला प्रयास करना है कि पास लाना शुरू करना है। दूसरा ये प्रयास करना है कि जो वही स्टूडेंट अच्छा करेगा एग्जाम हॉल में जिसका सब में पास आना शुरू होगा, इसको फॉलो कीजिएगा। आपको फॉलो जो करना है 40 वर्ड पर मिनट का, कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में लिख के देंगे, वहां पे मैं जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे देंगे, मैं वहां पे जवाब दूंगा। इस यूट्यूब वीडियो पे कमेंट डालेंगे, मैं उसको भी देखूंगा। और आपको अपना बेस्ट करना है, उसके लिए जितना भी मेहनत करना होगा कीजिए। अगर एग्जामिनेशन हॉल में पास लाना है तो स्पेशल लाइव जो शाम में 7 बजे होता है उसको आपको देना पड़ेगा एनी हाउ, तभी आपका काम बनेगा और आपका बेस्ट होगा। इसलिए डरने से काम नहीं होगा, आपको अपना बेस्ट करना होगा। क्योंकि आधा स्टूडेंट तो इसी में परेशान है कि सर पेपर मोड है, हमारा तो स्पीड ही गिर रहा है। तो इसको तो आपको फॉलो करने का पड़ेगा भाई, अगर एग्जाम निकालना है तो फॉलो करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम टफ है। ऐसे भी कोर्ट का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, ऊपर से ये पेपर मोड तो और टफ है। इसलिए कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आगे।